विषय पर संबोधित करना चाह रही हूँ वो आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक पहलू है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश देश का एकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और उनके चमचों से। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में हर रोज 8 बच्चियों सहित 17 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटित हुई हैं। चाइल्ड क्राइम में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। हर 3 घंटे में एक मासूम के साथ रेप हो रहा है। हाल ही में मां शारदा की पवित्र नगरी मैयर में 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ निर्भया कांड की तरह बर्बरता की गई। इससे पहले नेमावर में भाजपा नेता द्वारा आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार और परिवार के 5 लोगों की को जिंदा जमीन में गाड़ देने की घटना सामने आई थी। हाल ही में जबलपुर में भाजपा नेता ने वेदिका ठाकुर की हत्या कर दी और इसी तरह पिछले दिनों में दतिया में 2 सगी बहनों को में से एक के साथ दुष्कर्म और दूसरी के साथ छेड़छाड़ में भाजपा नेता का नाम सामने आया है। आज इस तरह की महिला विरोधी हरकतों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री ने एक कदम बढ़कर हरदा में जिस तरह से एक ऐसे नेता को भाजपा की सदस्यता दिलाई है जिसे अदालत ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई थी, इससे यह स्पष्ट है कि शिवराज सरकार शीर्ष स्तर से ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार करते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी का अर्थ बेटियों के लिए जानलेवा पार्टी रख लिया है। दुष्कर्म की घटनाएं निरंतर बढ़ने के बाद भी शिवराज सरकार को शर्म नहीं आ रही। रोजाना किसी न किसी जिले में ऐसी घटनाएं सुनने से इंसानियत शर्मसार हो रही है। आज मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। मासूम बच्चियां और लाडली बहनें स्वयं को असुरक्षित समझ रही हैं, बुलंद हैं। ऐसा प्रतीत होता है आपराधिक सोच के व्यक्तियों को सत्ता पक्ष का संरक्षण हासिल है, अन्यथा कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण अपराधों पर रोकथाम नहीं लग रही। आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में जहां एक ओर आदिवासियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं नहीं थम रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ हर रोज हम घटनाएं सामने देख रहे हैं।